हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस इमर्ज में आपका स्वागत है और एक और धमाका होने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे, सही तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का आर्ट को सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर में थैंक्स टू डिस्काउंट ब्रोकर्स एक अलग ही नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जिन्होंने इस मार्केट को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है, इतना अच्छे तरीके से समझा है और कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। ये एक्चुअल में एक सीरियस बिजनेस है, सीरियस ऑक्यूपेशन है। और जितना मैं फेस टू फेस इमर्ज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उतना मुझे प्राउड फील होता है कि कोने कोने से देश में लोग मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होके एक ऑल्टरनेट इनकम क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट से ऑल्टरनेट इनकम रिस्क एडजस्टेड सोच समझ के रिस्क लेके मार्केट से एक ऑल्टरनेट इनकम बनाना चाहते हैं, तो शेयर बाजार अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आपको वो अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझ के लैच करनी चाहिए। आज के जो मेरे गेस्ट है फेस टू फेस इमर्ज में, का नाम है चिराग जैन। ये है मैथ्स टीचर और इन्होंने, मैथ्स टीचर तो है ही वो बहुत अच्छे, और साथ साथ में मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा पैसा बनाने का एक आर्ट को मास्टरी कर ली है। तो चलिए उनसे सीखते हैं कैसे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने अपने मैथ्स के स्किल को किस तरह से यूज किया है और हमको वो क्या बताना चाहते हैं, ताकि हम भी इस स्किल को और सीख सके और मार्केट में ट्रेडिंग करके ऑल्टरनेट इनकम बना सके। हेलो चिराग। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो चिराग, आप मैथ्स के टीचर है, तो सबसे पहले मेरा प्रणाम है आपको। आप टीचर है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। टीचर सर, आप भी मार्केट में इतने टाइम से सिखा रहे हैं, आप भी एक तरीके से टीचर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरा भी आपको सर बहुत बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीचर बन जाना मतलब उससे बढ़िया तो कुछ और नहीं, वो सर्व सबसे ऊपर वाला एक जोन है कि जब आप टीचर बन जाते हैं। बट मैथ्स टीचर और उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये क्या कॉम्बिनेशन है? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट कौन करता है ये? तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे सूझा, कब से मैच पढ़ा रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप और क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग, आप क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाने के लिए, वो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। सर बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मेरा वर्किंग टेरिटरी जो है वो जूनागढ़ है, दैट इज इन गुजरात, सौराष्ट्र रीजन में मैं रहता हूँ। 2012-2013 से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड सर मेरा शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नहीं है, इवन मेरे घर में कोई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करता था, ऐसा मार्केट है। और दूसरी चीज क्या है कि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था, तो कभी ऐसा पढ़ने में भी नहीं आया कि कभी आगे चल के इस तरीके का करूंगा। लेकिन ये सौराष्ट्र रीजन ऐसा है ना जहाँ पे शेयर मार्केट का बहुत चलन है, थोड़ा मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ। 2014 में सर मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 साल वही है, मार्केट से जो आदमी अट्रैक्ट होके मार्केट में जाता है बिना पढ़े बिना तैयारी के जो जाता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं लूज करता ही करता है। और सेम चीज सर मेरे साथ भी हुआ कि थोड़ा पैसा मैंने लूज किया। फिर उसके बाद सर 1 साल मैंने अपने आप को ब्रेक दिया, और उस ब्रेक में मैंने पूरा मार्केट का स्टडी किया कि क्या क्या किया जा सकता है, किन किन पैरामीटर्स को आप यूज कर सकते हो। वो सब चीजों को स्टडी करने के बाद में मैंने अपना एक जर्नल भी बनाया, मैं अभी व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूंगा, जब टाइम रिक्वायरमेंट की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना एक जर्नल बनाया, उसके बेसिस पे फिर मैंने मार्केट को ट्रैक करना स्टार्ट किया कि भाई किस तरीके का मूवमेंट दे रहा है, और उसके बाद में मैंने अपनी मैथमेटिक्स उसमें लगाई कि कैसे हम एवरेजिंग का यूज करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो जिगजैग मूवमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम लीनियर है, कभी अगर वो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरेगा तो वो रिकवर भी होगा, तो हमें उन्हीं चीजों का जो बेनिफिट है वो लेना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो वो पूरी मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वाओ, सो स्वीट ऑफ यू। तो पूरा हमको नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों, और थोड़ा मैथ्स को सिंपल रखिएगा, बिकॉज मैथ्स से हम सबको डर लगता है, तो कोशिश करेगा उसको सिंपल भाषा में समझा पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ग्रेट। सो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपके पास में राइट है, और फिर लेट्स सी योर प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना व्यू जो है लोगों तक पहुंचा सकूं आपके माध्यम से, और उसके लिए बहुत बहुत सर शुक्रगुजार हूं मैं आपका।
सर सबसे पहले ये आज के प्रेजेंटेशन का जो फ्लो रहेगा मैं एक बार जस्ट ब्रीफली कर दूं कि मेरे क्या थॉट्स हैं, क्यों मैंने ऐसा सोचा कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ चार्ट्स और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे उसके अंदर बेनिफिट जो है वो आपको हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग सर बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरे थॉट्स एक्चुअली क्या थे। सर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉर्मल आदमी के लिए, देखिए शेयर मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो सब यूज कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो पैरेलल कुछ जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए वो सब कुछ उतना फ्लो के साथ सीख पाना और उसको अच्छे से यूज कर पाना, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर कैसा है, दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपको वो बहुत अच्छे से आता है, उसके सब पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, तब तो उसमें आपको बहुत मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर आपको कहीं पर भी वो पूरी तरीके से नहीं पता है, जैसे अपन नहीं बोलते कि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी खतरनाक है, ये टेक्निकल इंडिकेटर सर उस टाइप की चीज है। तो थोड़ा सा मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से सोचा कि क्यों नहीं अपन मार्केट को एवरेज आउट करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऐसा है कि उसको बढ़ना है फॉर श्योर, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद बढ़ना है, लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा स्पीड से गिरेगा। तो जो एक फिक्स स्पीड है, उस स्पीड को अगर हम उसी स्पीड के साथ हम भी पैरेलल चलते रहेंगे तो मार्केट के पैरेलल हम ग्रो भी करते चलेंगे। ओके, तो ये मेरा बेसिक जो फंडा इस मार्केट के पीछे ये था। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट को टाइम करना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। हमको जो नॉर्मल आदमी जो मेरे जैसा ट्रेड करने उतरेगा उसको ये लगता है कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस और मेरे ही सब चीजों को लेके बना हुआ है, जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वहीं ट्रिगर होगा वहीं से घूम जाएगा, ऊपर की तरफ लगाऊंगा वहीं ट्रिगर होगा वहीं से घूम जाएगा। तो मार्केट को एक्चुअली टाइम करना वो हर एक के बस की बात नहीं है, तो क्यों नहीं हम मार्केट को टाइम करने की बजाय जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसके पीछे पीछे चलते रहे। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो श्योर हम उसमें जो है वो अच्छा कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो मेरा थिंकिंग था कि मार्केट का एक लीनियर मोशन नहीं है, वो एक zigzag मोशन में चलता है, उसको हमें यूज करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स का कम से कम यूज करना है और उसके साथ साथ मार्केट को टाइम करने की बजाय मार्केट के साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। जो मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है उसके बाद तो हम उस मूवमेंट को कैरी कर सकते हैं, तो हमें वो मूवमेंट को कैरी करते हुए चलना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हम अच्छे से उस चीज को और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो ये मेरा सर थॉट है इस स्ट्रेटेजी के पीछे। वेरी गुड। इस स्ट्रेटेजी के पीछे जो फंडामेंटल्स हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि ये स्ट्रेटेजी जो है टोटली कैलकुलेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। कैलकुलेशन का मतलब है कि हम एक सर्टेन रूल्स फॉलो करेंगे कि ऐसा होगा तो हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है, ऐसा होगा तो इस तरीके से एडजस्ट करना है। हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करेंगे, रादर देन हम एडजस्टमेंट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि भाई इस तरीके से एडजस्ट करते चलेंगे तो हमें एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जिट भी मिल जाएगा और हम ओवरऑल प्रॉफिट में उस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करेंगे। दूसरी ये टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। मैं पहले ही सब लोगों को एक चीज और कन्वे कर देना चाहता हूँ कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जो स्टार्ट करते हैं तो 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए का कैपिटल लेके शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको खत्म कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा कैपिटल आपको 3-4 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो 50-50 थाउजेंड करके 3-4 लाख रुपए हार जाते हैं मार्केट में और फिर उसको छोड़ देते हैं, बोले कि ये अपने काम की चीज नहीं है, ये बड़े लोगों का गेम है, ऐसा है वैसा है करके उसको छोड़ देते हैं। आप वो कैपिटल को एक्यूमुलेट करिए और एक साथ एक अच्छे फंड के साथ इसमें एंट्री करिए तो डेफिनेटली आपको उसमें पैसा मिलेगा, बिकॉज मनी जो है वो अट्रैक्ट करेगी मनी को। आप ये समझिए कि अगर आपके पास में मार्केट के साथ चलने का फ्लो है, वो पैसा है, तो वो आपको जो है वो अट्रैक्ट करेगी। सो टोटली ये टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है, आपको एक सर्टेन रूल्स फॉलो करते चलना है और बस टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा ग्रो करके देगा, वो हम आगे और देखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने इस स्ट्रेटेजी में जो यूज किया है वो है 1200 पॉइंट का एक क्लस्टर चूज किया है। 1200 पॉइंट का क्लस्टर चूज करने के पीछे भी मेरा एक लॉजिक है। इससे पहले जब मैं ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था
फॉलो करने से पहले जब मैंने स्टडी की थी तो मैंने 800 पॉइंट्स के ऊपर किया था, क्योंकि तब मार्केट का रेंज 20,000 के आसपास था बैंक निफ्टी का। सो इट्स लगभग 3-4% जब आप देखते हो तो 800 पॉइंट का रेंज आपको मिलता है। मार्केट का वैल्यू भी बढ़ गया है, 35,000 के ऊपर चल रहा है, तो हमने 1200 पॉइंट का क्लस्टर लिया है। अगर यही चीज अगर स्टेबल रहती है, सपोज 35,000 के ऊपर मार्केट स्टेबल रहता है और इंक्रीज होता है, तो आने वाले टाइम में आप इसको 1500 पॉइंट्स का भी क्लस्टर करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपका जो ट्यूनिंग है वो और फाइन हो सकता है। आप चिराग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, है ना? यस यस सर, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के लिए है और मैं बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन करूंगा आज के ये फेस टू फेस सीरीज में। तो ये मेरा दो रूल्स जो है वो है, ये क्यों मैंने चूज किया वो एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा कि क्यों मैंने 1200 पॉइंट ही चूज किया और क्यों मैंने टाइम के ऊपर इतना फोकस किया है, वो दोनों चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो सर टाइम का मैं इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये एक बेसिक टाइम डीके का कर्व है, ऐसा हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट टाइम डीके का कर्व ये रहता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर जो भी 100% टाइम वैल्यू है, एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू को तो जीरो हो जाना है। इंट्रेंसिक वैल्यू हो सकता है उसमें रहे, बट टाइम वैल्यू हैज टू बी जीरो। सो अगर सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल के लिए 36,000 का एक एग्जांपल लिया है कि अगर मार्केट सपोज करो कि 36,000 पे है थर्सडे के दिन, तो अगर आप थर्सडे के दिन कोई स्ट्रेडल सेल करते हो जो अगर आपको 800 रुपए का प्रीमियम मान लीजिए रिसीव होता है, अगर फ्राइडे को वापस मार्केट 36,000 पे ऊपर आई, भले ऊपर जाके नीचे आई हो चाहे नीचे जाके ऊपर आई हो, वो 800 रुपीज रिड्यूस होके 720 हो जाएगा। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और इंक्लूड हुए होंगे नो डाउट, बट जो टाइम है उसको अपना काम तो करना ही करना है, जो डीके है वो तो देना ही देना है। अब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 800 का 720 होगा, इट मे बी 700, इट मे बी 690, इट मे बी 730, बट एक टिपिकली मेरा एक एनालिसिस ऐसा है कि अगर आप पहले दिन देखोगे तो 10%, 15%, 15%, 15% और 45% ऑफ द प्रीमियम जो है वो लास्ट थर्सडे के दिन एक्सपायर होता है, लास्ट में बहुत ज्यादा एक्सपायर होता है। और ये कर्व भी देखिए एक हाइपरबोलिक कर्व है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो सब लोग समझ पा रहे होंगे कि ये भी इनवर्स हाइपरबोलिक जैसा कर्व है, कि जो इनिशियल फेज में आप देखेंगे कि जो है वो डीके जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 45% जैसा डीके है अगर आप पूरे 3-4 दिन देख लें, और लास्ट में जो है थर्सडे के दिन आप देखेंगे तो काफी ज्यादा जो डीके है वो आपको मिलेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ 10-20% डीके का ही है। मतलब अगर सपोज करो कि 800-1000 का आपने स्ट्रेडल बेचा है तो हमारा जो टारगेट है वो 100-150 पॉइंट्स का है। दैट मींस अगर 10% डीके भी हमको मिल जाता है, कहने का मतलब अगर हमें फ्राइडे को भी वो वैल्यू रिपीट हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम पूरे थर्सडे तक उसको कैरी करें ही करें। अगर हमें फ्राइडे या मंडे को भी थोड़ा भी डीके हो जाता है 10-15%, तो भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम डीके। सेकेंड थिंग, जो 1200 पॉइंट्स का क्लस्टर चूज करने के पीछे जो मेरा लॉजिक है, वो लॉजिक मैं यहाँ पे ब्रीफ आउट किया है। इसका डिटेल स्टडी भी अगर कोई व्यूअर चाहे तो आई कैन प्रोवाइड, ये मैं शो भी कर दूंगा अभी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2018-19-20 और 2021 के सितंबर तक के 34 वीक्स, यानी ये टोटल 190 वीक्स पे मैंने स्टडी किया। और उस 190 वीक्स पे मैंने ये देखा कि थर्सडे का जो आपका क्लोजिंग है, थर्सडे को जो भी प्राइस पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है, उसके बाद फ्राइडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे और नेक्स्ट थर्सडे का जो हाई है उसका डिफरेंस और लो का डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, जहां पर भी वो डिफरेंस 1200 को ब्रीच कर गया, जहां भी डिफरेंस 1200 को, इसका मतलब है कि मार्केट थर्सडे के क्लोज से 1200 पॉइंट मूव करी है एक डायरेक्शन में, चाहे अप चाहे डाउन, तो वो हमने काउंट किया, और नहीं करी है तो उसको हमने यस के रूप में किया। तो हमने ये पता चला कि 136 वीक ऐसे हैं जिसमें मार्केट ने 12,000 इधर अपसाइड और लो साइड ब्रेक नहीं किया है। 1200 जो है इधर अपसाइड और लोअर साइड ब्रेक नहीं किया 136 वीक, और 54 वीक ऐसे हैं जब उसने ब्रेक किया है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस है प्लस 1200 माइनस 1200 एग्जैक्टली, वो आप देख रहे हैं कि हमने 36 बार ये 1200 के रेंज के अंदर में रहा है और 54 बार जो है उसने ब्रेक किया है। और ये 54 में आप ये समझिए कि वो साल शामिल है जिसके अंदर कोरोना जैसा सिचुएशन आया, जिसमें मार्केट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। अदरवाइज ये जो परसेंटेज जब मैंने 800 से कैलकुलेट किया था उसके पिछले 4 साल में, तो ये रेशियो 82% था। अच्छा ठीक है, ये जो आप यहाँ पे भी देखेंगे ना,
2018-19 जब आप देखेंगे तो बहुत कम साल है ये, 2020 की वजह से ही सर ये रेशियो भी इतना डिफर कर रहा है, क्योंकि 2020 मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर, सही बात है, समझ मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ईयर में से है कि एक ट्रेडर की जर्नी में वो ऐसा एक मतलब बहुत खतरनाक साल, सिक्स सिग्मा इवेंट। हाँ तो सर ये साल को भी मिलाते हुए भी ये परसेंटेज जो है वो सर 71% है कि 71% टाइम आपका वो क्लस्टर ब्रीच नहीं हो रहा है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर लोअर साइड जा रहा है या अपर साइड जा रहा है तो क्या वो कंटिन्यूअसली लोअर गया, जैसे थर्सडे को यहाँ पे मान लीजिए तो क्या कंटिन्यूअसली इस तरीके से गया या अप जाके डाउन गया? क्योंकि अगर अप जाके डाउन गया होगा तो आपको आपका लेवल एक बार रिपीट मिला ही होगा, करेक्ट है ना? तो हमने ये चीज देखी कि 12 दिन ऐसे थे, 12 वीक ऐसे थे और 15 वीक ऐसे थे, यानी कि ये जो 27 वीक्स हैं आउट ऑफ दिस 54 वो ऐसे हैं जब कंटिन्यूअस मूवमेंट आई, अदरवाइज जो 27 वीक्स ऐसे हैं जब या तो पहले मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया और फिर नीचे ब्रेक किया, या तो नीचे गया होगा और ऊपर ब्रेक किया, तो उस केस में तो आपको एग्जिट मिला ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि आपके लेवल को उसने क्रॉस किया होगा जी। तो वो 27 वीक भी ऐसे हैं जब आपको एग्जिट मिल जाएगा, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें कि 85% टाइम आपका ऐसा सिचुएशन रहेगा कि आपको विद इन अ वीक आपको उस स्ट्रेटेजी से एग्जिट मिल जाएगा, हार्डली 15% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपको नेक्स्ट वीक में वो कैरी करना पड़ेगा। कैसे कैरी करना है वो मैं स्ट्रेटेजी से आपको दूसरी चीज सर मैंने यहाँ पर एक और चीज मेंशन करी है कि जो 1200 पॉइंट का जो मूव है वो आया कौन से दिन, मतलब वो जो ब्रीच हुआ है वो कौन से दिन ब्रीच हुआ है। तो वो भी अगर आप देखेंगे कि वेनसडे और थर्सडे के दिन वो ज्यादा मूव हुआ है, एक्चुअली कैसा है कि फ्राइडे को थोड़ा मूवमेंट आया होगा, मंडे को और थोड़ा आया होगा, ब्रीच जो है वो वेनसडे या थर्सडे को हुआ है। तो चूंकि वेनसडे या थर्सडे को ब्रीच हुआ है तो फ्राइडे मंडे और ट्यूजडे तक इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो ब्रीच होने के बावजूद भी उसने आपको कुछ एम टू एम प्रॉफिट में ही दिया होगा, क्योंकि अगर एक तरफ जा रहा है तो आपका कॉल में जैसे सपोज ऊपर जा रहा है, कॉल का रेट बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ पुट का रेट डिक्रीज भी हो रहा है। तो इवेंचुअली क्या अगर वो स्लो स्पीड से बढ़ा है तो वो आपको नेट नेट प्रॉफिट ही देखे जाएगा। सो बहुत हाई चांसेस ये है कि वो 15% वाले केसेस में भी आपको एग्जिट मिला होगा अगर आपका कंटिन्यूअस वॉच रहा होगा। तो हम इस तरीके से इस चीज को लेके चल रहे हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन विद इन अ वीक है वो 85% से ज्यादा है, सो दैट अपन को उसमें इजीली एग्जिट मिल जाए। अब स्ट्रेटेजी क्या है, करना क्या है, कैसे वो 85% वाला जो केस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो 15% वाला केस है उसमें कैसे एडजस्ट करना है मैं दोनों चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, बहुत अच्छा नंबर बेस्ड डिस्कशन हुआ। अच्छा चिराग, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर है, मेरा मन किया कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। पूछिए ना सर, बिल्कुल। ये सिक्स सिग्मा इवेंट जो कहते हैं is basically a six sigma, which is like the standard deviation to the extent of six sigma. तो इसका होने का probability क्या होता है? Three sigma तो I think 98% में होता है, right? सर वैसे तो मतलब मुझे उतना जानकारी तो नहीं है इस चीज के बारे में जो आप मुझे पूछ रहे हैं एक्चुअली, बट ये जो इवेंट जैसे ये अपना जैसे अभी कोविड वाला जैसे इवेंट हुआ या जो इस तरीके के जो अनइवन इवेंट्स हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि वो इंडियन जो स्टॉक मार्केट का जो हम टारगेट लेके चलते हैं तो 8 से 10 साल में सर एक बार होता है ऐसा। ऐसा मतलब कोई यूजुअल ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी 16,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिर गया, उसके बाद 18,000-20,000 पॉइंट बढ़ गया, जो एक साल डेढ़ साल के ड्यूरेशन में जो ये हुआ है, इस तरीके के इवेंट सर मतलब ये समझिए कि 10 से 12 साल में एक बार ऐसे इवेंट्स होते हैं, जो मतलब वो ही एक टाइम ऐसा है जब आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने उसमें पेशेंस रख लिया तो ये ब्रॉडर व्यू भी तो सर यही दिखाता है ना कि देखिए अगर बहुत तेजी से मार्केट गिरी है तो उसी तेजी से वापस रिकवर भी हो जाएगी। बहुत तेजी से बढ़ रही है सर कोई चीज, कोई भी चीज जो अनयूजुअल होगी ना सर तो उसका काउंटर पार्ट नियर फ्यूचर में होना ही होना है फॉर श्योर। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं बात है, आप हर जगह की आप ये चीज देखिए कि कहीं पर भी जो अनयूजुअल इवेंट्स होंगे तो उस अनयूजुअल इवेंट का काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में हो ही रहा होगा। अब जैसे मैं आपको अभी जैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल बताऊं कि अगर सपोज हम कोरोना को भूल भी जाएं तो अभी मार्केट वन वे बढ़ते जा रहा है, लेकिन मेरा ये व्यू है, अच्छी बात है बढ़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है मेरा ऐसा मानना है कि या तो नियर टर्म में एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा, और अगर करेक्शन नहीं आएगा तो एक बहुत लंबा फेज ऐसा होगा जिसमें ये कंसोलिडेट करे,
क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको 2022 2023 तक का बैलेंस करना है। अभी वो क्या है, एक ही साल में अगर 3 साल का बढ़ जाएगा तो या तो वो नीचे गिर के वापस बढ़े या तो कंसोलिडेट करे, दोनों में से एक चीज तो उसे करनी है, क्योंकि वो करके सोचे कि मैं तो जो किया वो भूल गया और अब वापस अपनी स्पीड से चलूंगा, वो पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि अगर 50% मार्केट अगर एक साल में बढ़ने लगेगा तो ये समझिए कि निफ्टी जो अभी 18,000 का है वो मैं लगता है 10 साल ट्रेडिंग करूंगा तो वो निफ्टी 2-4 लाख का हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना सर, ऐसा तो संभव नहीं है। समझ गया। मेरा क्वेश्चन का आंसर आपने डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली दे दिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एक स्लाइड एडिशनली ऐड करी है इसमें रिक्वायरमेंट की, ये मैं दो चीज जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट को मैं थोड़ा सा सर एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। पहला है फंड रिक्वायरमेंट का। जैसे हमारी स्ट्रेटेजी में हम स्ट्रेडल बेचने वाले हैं, तो स्ट्रेडल जब आप बेचते हो बैंक निफ्टी का तो आपको 1.5 to 2 लाख का कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है मार्जिन का। लेकिन स्टिल मैं ऐसा चाहूंगा कि हमारे जो भी लोग हैं जो भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करें वो 4 लाख रुपए का कैपिटल रखे। अब उसमें वो 2 लाख रुपए आइडियल पड़ा रहेगा। अब वो जो 2 लाख आइडियल पड़ा रहेगा उसके लिए भी एक लॉजिक है आपके पास में। आप क्या करिए, इस 4 लाख में से 2.5 लाख का कोई भी अच्छा ETF ले लीजिए। okay. भारत बॉन्ड, जैसे मैंने अपने में भारत बॉन्ड लिया हुआ है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो 6-7% का रिटर्न देगा आपको। इसको आप लेके प्लेज कर दीजिए। अच्छा, वो आपको 80% से ज्यादा आपको मार्जिन मनी दे देगा, यानी कि 2 लाख रुपए के आसपास। अगर आप 2.5 लाख रुपए का आप ले लेते हैं तो वो 2 लाख रुपए के आसपास आपको मार्जिन दे देगा, और वो जो 2.5 लाख है ना वो आपका कॉन्स्टेंटली 6-7% रिटर्न तो दे रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि मैंने जो सरप्लस मनी डाली है वो सरप्लस मनी फालतू की नहीं है, ऐसे मेरे अकाउंट में पड़ी नहीं है, वो सरप्लस मनी जो है वो अभी मुझे 6-7% रिटर्न जनरेट करके दे रही है, नंबर वन। नंबर टू, जो 1.5 लाख रुपए जो रह गया है वो 1.5 लाख आपको आइडियल रखना है जो आपके एम टू एम को बैलेंस करेगा जी। क्योंकि इसमें फॉर अ गिवन टाइम अगर आपको एक वीक में एग्जिट नहीं मिलता है, जो ऐसे हार्डली 10-15% केसेस हैं, तो उसमें आपको 10-12 हजार रुपए एडजस्ट भी करने पड़ सकते हैं, बट इवेंचुअली तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको 10-12 हजार रुपए एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। तो कहीं आपको क्या होता है कि कट टू कट पैसा रखते हैं, फिर एकदम से आता है, फिर आप वापस ऐड करते हैं, वो करते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 2.5 लाख है। जब आपके पास 4 लाख हो तब आप स्टार्ट कीजिए ना, जब आपके पास पैसा हो तब स्टार्ट कीजिए, मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है। तो ये सर मेरा 4 लाख रुपए रखने के पीछे लॉजिक ये है, और वो पैसा जो आइडियल पड़ा रहेगा वो पैसा भी आपको 6-7% रिटर्न करके देगा, तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप बैंक में भी तो रखोगे तो यही देगा ना, क्या देगा वो, उससे ज्यादा तो देगा नहीं आज की डेट में, तो समझो कि आपने वो पैसा बैंक में पड़ा है। सही, आप ऐसा कर सकते हैं, सो दैट क्या है कि जो आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो आपका ये ETF को आप जो प्लेज करवा दोगे उससे मिल जाएगा, और एम टू एम बैलेंस करने के लिए वो आप 1.5-2 लाख रुपए आपका स्पेयर पड़ा रहेगा, तो वो समझ ठीक है। दूसरी चीज जो है सर वो है टाइम का रिक्वायरमेंट। हालांकि अपन को मार्केट को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना है तो हमें तो सिर्फ लेवल्स देखने हैं, बाकी तो हमें कुछ देखना नहीं है, तो हार्डली 1 घंटे का टाइम चाहिए बीच बीच में, कभी देख लिया मार्केट अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। और आजकल तो इतना टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आप अलार्म वगैरह भी सेट करके रख सकते हो कि ये लेवल क्रॉस हो जाए तो आपके मोबाइल पे पॉपअप कर देता है, अलार्म बज जाती है कि ये लेवल क्रॉस हुआ है। तो मार्केट टाइम में तो आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पोस्ट मार्केट टाइम है ना वो आपको 1 घंटा कंपलसरी देना है। क्यों, उसका मैं सर एक रीजन बताता हूँ जो मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने भी सर 3 साल पैसा लॉस किया, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट किया ना वो प्रॉफिट उस लॉस से कई गुना ज्यादा है, और उसका कारण जो है ना वो मेरा 1 साल का जो एक क्लस्टर जो मैंने टाइम दिया ऐसा, वो टाइम में आपने क्या करना है सर, एक जर्नल बनाना है। ये मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया था, आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम नहीं, कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, जो लिखते नहीं है, मैं तो एक टीचर हूं तो मैं ज्यादा जानता हूं, तो मैं क्या करता हूं, हम कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हारा लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो रोज के 2 सम लिखा करो। वैसे ही आपको ना रोज के 2 पेज मार्केट के लिखने हैं, ये समझिए कि आपको मार्केट के ऊपर एक ऐसे लिखना है डेली, आज मार्केट में क्या हुआ, वो क्यों हुआ, वो आपको 2 पेज लिखने हैं, देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ते तो सब है, देखते सब है, यूट्यूब पे रोज शाम को है ना कोई ना कोई देख लेता है, उसको आपको नोट्स बनाना है। आपकी बुक में आज का तारीख होना चाहिए, वो तारीख के साथ आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ, बड़ी मूव आई क्यों आई, कौन से शेयर चले कौन से नहीं चले, किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो उस डिविडेंड देने के बाद उस कंपनी में क्या हुआ, किसी ने नहीं दिया है, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी,
अब फेड की मीटिंग है, जैसे यूएस फेड की मीटिंग है, तो वो हर 3-4 महीने में होती रहती है। तो आप एक बार इवेंट को लिखोगे, उसके रिजल्ट लिखोगे, तो दूसरी बार के लिखोगे, तीसरी बार, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 1-2 साल ये प्रैक्टिस करोगे ना सर, तो आपको पता एक्चुअली पता चलने लग जाएगा, अच्छा आज आरबीआई की मीटिंग है, ऐसा होगा ना तो मार्केट ऐसा मूव करेगा, ऐसा होगा ना तो ऐसा मूव करेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से ना फील आने लग जाएगा। और ये सबको करना चाहिए, ये पोस्ट मार्केट काम है, इसमें कुछ भी लाइव नहीं है। आप कोई भी अच्छे न्यूज चैनल से, यूट्यूब से, आप भी बहुत सारे वीडियोज वीकेंड्स पे और भेजते रहते हैं, किसी का भी आप देख लो, ऐसा नहीं, बट आप उसको देख के, सिर्फ देखना नहीं है, उसका एक नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से सर वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। मैंने खुद अपना जर्नल बनाया और मैं आज भी डेली 2 पेज मार्केट के लिखता हूँ, कुछ नहीं है ना तो केवल बैंक निफ्टी का चार्ट ही ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, लेकिन मैं 2 पेज ना मेरे को लिखने ही है कंपलसरी, 1 घंटा टाइम, और वो हर व्यूअर को देना चाहिए। पोस्ट मार्केट है, उसमें कोई तूफान तो है नहीं कि मार्केट भाग रहा है, गिर रहा है, बस आज क्या हुआ, जो अनयूजुअल हुआ ना उसका रीजन जरूर लिखो। मार्केट में ऐसा है कि अनयूजुअल होने वाली चीजें है ना 40-50 चीजें ही है, कोई मीटिंग है, कोई आरबीआई का है, कोई लोन का है, कोई कुछ है कुछ है, और वो मालूम है वही 40-50 चीजें जब आप 1-2 साल लिखोगे ना वही रिपीट होती रहेंगी। वैसे अब कोविड जैसी सिचुएशन है वो तो अलग बात हो गई, बट मतलब मोस्टली जो है ना वो 40-50 चीजें ही रिपीट होती है। इसकी मीटिंग है आरबीआई वाले की, आज मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कुछ ऐसा होगा, आज पैकेज का अनाउंसमेंट होगा तो कुछ ऐसा होगा, ऑटो सेक्टर में कुछ ऐसे डाल दिया तो ऐसा होगा, और वो रिपीट होगा। कोई शॉर्टेज है, कोई मांग डिमांड बढ़ गई, कहीं कुछ अन इवेंट हो गया, तो वो सर जरूर सबको करना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और आप याद रखेंगे सर, अगर आप 1 साल कंटिन्यूअस 365x2 आप समझिए कि आपने 700 पेज मार्केट पे लिख लिए, आप गारंटी आप मार्केट की मूवमेंट को पकड़ ही लोगे 100%। तो चिराग मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ इस पे कि मैं स्कूल में ना बहुत वीक स्टूडेंट था। वीक इसलिए नहीं था कि मेरे दिमाग नहीं था, वीक इसलिए था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा था। तो मेरे मैथ्स के टीचर थे, और आप मैथ्स के टीचर है इसलिए मेरा मन किया मैं आपको बोलूं, जिन्होंने मुझे चेंज किया। और बहुत एजेड थे, 81-82 ईयर ओल्ड थे। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे पहली बात यही बोली थी कि तुम दिन भर में लिखता कितना है। तो मैं बोलता था कि मैं कहाँ लिखता हूँ, मतलब उस समय भी कोई लिखने का माइंडसेट नहीं हुआ करता था। तो वो बोले कि तुम मैथ्स लिखेगा और रोज 1 घंटा लिखेगा, क्योंकि तेरा हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। तो जिस दिन वो कोऑर्डिनेशन ठीक कर लेगा तो चैंपियन बन जाए। तो पहले मैं 100 में से 5-6 नंबर स्कोर करता था मैथ्स में, फिर मैं 95 नंबर स्कोर करने लग गया, क्योंकि उन्होंने मुझे लिखने की हैबिट डाली। और मैंने स्टॉकेज बनाया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने स्टॉकेज बनाया मेरे ट्रेडर्स लोग के लिए, कि क्योंकि उनके पास शाम को लिखने की हैबिट नहीं है। वो मुझे हमेशा कंप्लेन करते थे कि क्या लिखे, इधर जाए इस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे, इतने सारे वेबसाइट्स हैं। तो मैंने उनको बोला मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह दे देता हूँ, तो शाम को खाली आधा घंटा स्टॉकेज में दे दे और नोट्स बना ले, स्टॉकेज में सारी बातें हैं, खाली आधा घंटा तू नोट्स बना लेगा तो तू इतना रजिस्टर कर लेगा अपने मार्केट को, अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने माइंड में, कि मार्केट इतना इजी हो जाएगा तेरे लिए। एंड आई हैव सीन दिस चेंजेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स एवरी डे। सर ये मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में भी जो चेंज आया है ना वो इस वजह से ही आया। पढ़ना और लिखना ये 2 ऐसी चीज है सर, वो कंटिन्यूअस आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि ये देखो मार्केट ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। आप कितना भी नॉलेज ले लो ना, वो आपसे 1 कदम आगे और कुछ नया बताएगा। आप उसको लिखते जाओ, आपको खुद ही, बहुत सारे लोग सर पता है देख लेते हैं, इधर उधर वीडियो देख लेते हैं, एनालिसिस बताते रहते हैं, आप जिसको देखो आजकल मार्केट पे राय देने वाला हर कोई आदमी मिल जाएगा, लेकिन जिसने नोट्स बनाया है, जिसने होमवर्क किया है ना, वो आदमी बिना कोई प्रूफ के आपको ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा। वो ऐसा बताएगा कि देखो आज से 3 साल पहले ना ऐसा हुआ था ना, तब ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा होगा। सही है। एक होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और एक मुझे लगता है कि सर ये ऐड किया, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मेरा सर ये है, हालांकि मेरी स्ट्रेटेजी में कहीं पे भी पोस्ट मार्केट आज टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरी फ्रेंक, बट आपको ये करना है। आपका जो 30% 40% का टारगेट करोगे वो इवेंचुअली 50 हो जाएगा, इवेंचुअली 60 हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रहे हैं, लेकिन वो कमाने के साथ साथ वो मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूस। एग्रीड है, आगे बढ़ते हैं।
आई टोटली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. थैंक यू सर. इनफैक्ट मेरे मैं कहूँ आज का ये फेस टू फेस का वन ऑफ द की टेक अवे पॉइंट है दोस्तों. अगर आपने ये बात की मरहम को समझा है तो आप रियलाइज कर पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी. स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी वगैरह तो इवॉल्विंग चीजें हैं. आज जो वर्क कर रही है दो साल बाद शायद वर्क ना करे, बट ये सब छोटी छोटी लर्निंग जो हमको फेस टू फेस से मिलती है ये हमको इतने अच्छे ट्रेडर के रूप में तैयार कर सकती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये जो लिखने की जो हैबिट है ना उसकी वजह से एक फायदा बहुत होता है मार्केट में. मार्केट में ना मोस्टली ट्रेडर्स जो करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको पेशेंस नहीं होता. थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर नीचे हो गया एकदम से अपना पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है. लेकिन जो कंटिन्यूअस लिख रहा है और जिसको कंटिन्यूअस 3-4 साल का ट्रैक है ना मार्केट का, उसके पास में पेशेंस भी बहुत आ जाएगा. करेक्ट करेक्ट. चलिए तो सर मैं स्ट्रेटजी से स्टार्ट करता हूँ. जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी अभी कह ही दिया कि मेरा जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेडल सेल करने के ऊपर है. तो हम लोग हमारा जो स्ट्रेटजी का स्टार्ट है वो थर्सडे से करेंगे और 2 बजे के आसपास करेंगे. क्यों? क्योंकि थर्सडे को 2 बजे तक उसके पहले के वीक में जो होना था वो हो चुका. 2 बजे के बाद अब जो होना है वो नेक्स्ट वीक के लिए ही होना है. तो जो पहले का होना था वो सब हो चुका है तो हमें उससे कंसिडरेशन नहीं करना है. थर्सडे को 2 बजे के आसपास हम लोग अपना स्ट्रेडल क्रिएट करेंगे. जहां पर भी मार्केट का स्पॉट प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस के हिसाब से नेक्स्ट थर्सडे का हम कॉल और पुट बेच देंगे. एट द मनी, एट द मनी कॉल. ठीक है. लगभग विक्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे. जैसे अभी बहुत नीचे चला गया था विक्स तो भी आपको 800 के आसपास प्रीमियम मिल जाएगा. अगर अच्छा हाई विक्स है 16-17 का विक्स है तो अभी जैसे अभी है तो आपको 1000 के आसपास जो है वो प्रीमियम उसमें मिल जाता है. क्योंकि 400-500 की रेंज में आपको एट द मनी कॉल या पुट का प्राइस मिलेगा. ओके. तो हमने 800 से 1000 रुपए ये मान के चलिए कि आपको प्रीमियम रिसीव हो गया. अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो लेवल पे आपने स्ट्रेडल क्रिएट किया है वो लेवल का वापस वेट करना है. मार्केट या तो ऊपर जाके नीचे आएगी या तो नीचे जाके ऊपर आएगी. आपको उस एम टू एम को ट्रैक करना है. जैसा मैंने आपको बताया कि 71% ऑफ द टाइम मार्केट 1200 पॉइंट के क्लस्टर को ब्रीच नहीं कर रही है. इसका मतलब है कि उस रेंज में है. अगर रेंज में है इसका मतलब है कि वो वैल्यू रिपीट करेगा. ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम से बढ़ी और उसके बाद उस एक पॉइंट पे फ्रीज हो गई और पूरे 4 दिन तक फ्रीज ही है. ऐसा तो होना नहीं है. मूव तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. और मूव चलता रहेगा का मतलब है कि आपको वो वैल्यू जो है वो रिपीट होगी. इवन वैल्यू रिपीट नहीं भी होगी तो उसके पहले भी आपको कहीं ना कहीं आपको एम टू एम पॉजिटिव हो जाएगा. और ऐसा 85% ऑफ द टाइम ऐसा होगा. मैं एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कंटिन्यूअस वीक्स के एग्जांपल्स बताता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा. तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 2 केस हैं. तो पहला केस जो 85% वाला केस है जिसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा, जैसे कि ये 2 सितंबर से 9 सितंबर का सर चार्ट है बैंक निफ्टी का. तो तकरीबन 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी का ये लेवल था. ये लेवल था 36,790 के आसपास. सो हमने क्या किया कि 36,800 का कॉल और पुट ये दोनों शॉर्ट कर दिया इस लेवल पे. अब जैसे मैंने बोला 1200 पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व करना है, यानी कि ऊपर में मेरे को 38,000 और नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो 36,800 माइनस 1200 यानी कि आपका 35,600 ये आपका एक रेंज बन गया. आप यहां से देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करी. आपका लेवल ब्रेक नहीं किया, 37,100 तक वो गया. फिर ये नीचे आया, देखिए ये इसी जगह पे आ गया. तो इस जगह से लेके इस जगह तक आने में कुछ तो टाइम का लगा है, 1 दिन का टाइम लगा. यानी कि यहां पे अगर आपने 1000 रुपीज में कोई स्ट्रेडल सेल किया होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू 900 रह गई होगी क्योंकि टाइम ने अपना काम किया है. अगेन ये अगर बहुत शॉर्टर पीरियड है, देखिए ये कंसोलिडेट किया फिर यहाँ रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ रिपीट कर रहा है. मार्केट ने बहुत बड़ी डाउनसाइड की तरफ मूव करी, 36,100 तक गया. अभी भी आपका लेवल ब्रीच नहीं किया लेकिन फिर यहाँ आया. यहाँ तो ये स्ट्रेडल 600 का ही रह गया होगा, यहाँ तो ये लेवल 400 का ही रह गया होगा. तो आपने यहां से एग्जिट कर ही लिया होगा क्योंकि आपका जो है 100-120-150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है. 1000 का अगर हमने स्ट्रेडल शॉर्ट किया है, चाहे कॉल में फायदा हो चाहे पुट में फायदा हो, अगर हमारा वो स्ट्रेडल का रेट 860-880 ऐसा रह जाता है हम एग्जिट कर जाएंगे. जैसे ही एग्जिट करेंगे नेक्स्ट थर्सडे तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे. अब उस वीक में जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी. हम नेक्स्ट थर्सडे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें
जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसका पार्ट नहीं बनना है। हमारा काम हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, फिनिश। नेक्स्ट थर्सडे रीस्टार्ट करेंगे। जैसे सर मैं आपको बताऊं, ये 26 से 2 सितंबर का है। आप देखिए यहाँ पर जो ये मार्केट है लगभग इस पॉइंट के ऊपर 26 अगस्त को 2 बजे के आसपास थी 35,776। ये देखिए मार्केट ने डाउनसाइड का मूव दिया और ये वापस यहाँ पे वो वैल्यू रिपीट हो गई। आप यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। इसके बाद इसने ये 1200 पॉइंट का क्लस्टर भी ब्रेक किया है, लेकिन हम उसका पार्ट नहीं है क्योंकि एज पर रूल हम यहां से एग्जिट हो चुके होंगे। ओके, ये उसके पहले वीक का सर, ये उसके भी पहले वीक, जैसे 18 अगस्त से 26 अगस्त का जो वीक है, देखिए 2 बजे के आसपास 18 अगस्त को आप यहाँ पे मार्केट का जो रेट देखेंगे, ये यहाँ पे जो वैल्यू है यहां से हमने क्रिएट किया, मार्केट ने डाउनसाइड मूव दी लेकिन 1200 पॉइंट का क्लस्टर नहीं ब्रेक हुआ है और यहां से ये वापस अप आ गई। ट्यूजडे को वापस ये मार्केट ने रिपीट किया, आपको एग्जिट मिल गया। बल्कि आपको यहीं कहीं एग्जिट मिल चुका होगा क्योंकि टाइम का तो डीके हुआ ही हुआ है। अब आपका नीचे गिरा है, पुट का वैल्यू बढ़ गया होगा लेकिन कॉल का वैल्यू इतना ज्यादा गिर गया होगा कि ओवरऑल आपको जो वैल्यू है 100 to 160 पॉइंट, वो आपको लगभग यहीं कहीं मिल गई होगी क्योंकि जब आप यहां से वापस बढ़ने लगा तो पुट का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा। तो पर एक जो मेरे को समझ में आया कि आप बेसिकली स्ट्रैडल बेच रहे हैं विद एन अजम्पशन कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी करेक्ट, बट इसमें मार्क टू मार्केट लॉस तो मुझे दिख ही सकता है। यस सर, बट इसीलिए तो हमने वो 1.5 लाख को जो है पार्क करके रखा है कि अगर मार्क टू मार्केट दिखेगा तो वो एडजस्ट करता चलेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज सर मैं आपको ये बताता हूँ, जो लोग मार्क टू मार्केट से डरते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मेरे को भी ऐसे डर लगता था कि अरे यार ये हो रहा है अब क्या करें, नहीं आया तो क्या करें, तो मैंने ना उसको देखने के बजाय फंड वैल्यू देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसमें क्या फायदा होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है मार्केट का, जैसे आपने 4 लाख का कैपिटल रखा है और जैसे ही आपने 1000 पॉइंट का एक स्ट्रेडल सेल कर दिया, ठीक है ना, तो ये सेल जब आप कोई भी चीज सेल करते हो तो उसका पैसा आपके अकाउंट में इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। हाँ, प्रीमियम आ जाता और है। कुछ भी आप खरीदते हो तो वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। करेक्ट। अब जैसे ही आप 1000 पॉइंट का स्ट्रेडल सेल करोगे तो यहाँ पे आपका जो फंड वैल्यू है ना 4,25,000 हो गया। ठीक है, अब आप ये 4,25,000 देख रहे हो। अब मान लो कोई वीक आपको एग्जिट नहीं मिला और आपको ये पोजिशन बाय करनी पड़ेगी, तो जब आप बाय करोगे तो बाय करने के बाद जब नेक्स्ट वीक का एडजस्ट करोगे तो वो उससे ज्यादा प्रीमियम पे ही करोगे, वो भी मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। अच्छा, तो इवेंचुअली जो फंड वैल्यू है ना 425 वो बढ़ के ना 427 ऐसी दिखेगी आपको। आपके दिमाग में आपको साइकोलॉजी ये रखनी है कि जब मार्केट ये रेंज में आएगा ना तब मेरी फंड वैल्यू ये रहेगी। चिराग, बेसिकली यू आर सेइंग कि ऑप्शंस मार्क टू मार्केट नहीं होते इंडिया में तो उसका बेनिफिट मिल जा रहा है आपको। नहीं तो ये सब देखो, अल्टीमेटली तो हमें पेशेंस लाने के लिए ना साइकोलॉजी को चेंज करना है। अब आप देखो रेड रेड देखते जाओगे ना तो वो रेड इतना खराब है मार्केट में, मार्क टू मार्क रेड देखना इतना खराब है। मोस्ट ऑफ द लोग पैसा क्यों लूज करते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। 10,000 पहले हारते हैं, 10,000 हारने के बाद उस 10,000 को कवर करने के लिए 20,000 हारते हैं, फिर उस 20 को कवर करने के लिए 40 हारते हैं। उनको ये लगता है कि हम एक ऑप्शन खरीद लेंगे वो 100 रुपए वाला 1,000 हो जाएगा, मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो फिर दुनिया में सब आदमी यही काम करते, वो सर प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। और क्या होता है, शुरू छोटे अमाउंट से करते हैं, उस छोटे को बैलेंस करते 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 के चक्कर में ऐसा हो जाता है। और एक मैं सर एक साइकोलॉजी आपको ऐसी बताता हूँ जो सर ऑलमोस्ट हर ट्रेडर जो बिना पढ़ाई किए बिना रिसर्च किए डायरेक्ट जो घुसा है ना उसको ये महसूस हुई होगी। क्या होता है जब हम 50,000 रुपए लॉस कर गए, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये सब हुआ ही होगा। 50,000 हम लॉस कर गए, अब हमको ये लगता है कि बस मेरा अब कॉन्फिडेंस खत्म होने ही वाला है, मैं ये सोचने लगा ये मार्केट मेरे काम की चीज नहीं है बिल्कुल, यार मुझे तो छोड़ ही देना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन आपको बाइंग में 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लगे अरे नहीं नहीं यार मैंने ही गलती करी होगी यार, पैसा तो मिलता, और फिर आप शुरू होंगे वो 50 का 1 कर दोगे। ये ना वो मार्केट, और आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लिए बना है, मेरा ही लॉस खाने के लिए बना है, मेरा ही पैसा खाने के लिए बना है। आपका आपका लेवल होगा जस्ट टारगेट से जस्ट पहले ही घूम जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस के जस्ट बाद घूम जाएगा। और आपको क्या होगा जब आप ऐसा लगेगा ना कि अब मैं हिम्मत हार ही रहा हूं कि अब तो छोड़ ही दिया मैंने, और उसी समय एकदम से आपको 5-7 हज़ार रुपए का प्रॉफिट देगा,
आपको लगेगा कि अरे यार बनता तो है, मैंने गलती कर दी यार, मैंने थोड़ा पेशेंस नहीं रखा, ही नहीं रखा, और फिर आप नया 50,000 डाल के कूदोगे, फिर वो ले लेगा। और ये ऐसी लत है ना कि फिर आप उसको डालते ही जाओगे। कभी कोई आदमी 6 महीने वेट करता है, फिर 6 महीने के बाद फिर कूद पड़ता है पैसा लेके, 8 महीने वेट करता है फिर कूद पड़ता है पैसा लेके, क्योंकि उसको बैक ऑफ द माइंड ये रहता है मेरा पैसा ले लिया मार्केट ने, मुझे लेना है लेना है लेना है, रिवेंज ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, हारता ही हारता है। और ये इससे बेहतर क्या है ना कि आप वेट करो ना, 50,000 आप हार सकते हो, उससे अच्छा 5,000 देख लो, खाली देखना है ना थोड़े टाइम के लिए, चलिए आगे आपको मिलना ही मिलना है। अच्छा आगे, और फिर भी देखना है तो आप इसको देखो, फंड वैल्यू को, वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगी कि मेरा तो बढ़ ही रहा है फंड वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आपका लॉजिक वैसे ठीक है, मतलब बट जरूरी नहीं है कि हर कोई ये लॉजिक को बाई करे, बट ठीक है, आई मीन व्हाट हैज वर्क फॉर यू हैज वर्क फॉर यू, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। तो सर ये चीज तो मैंने पहला केस जो बताया कि 71% चांसेस तो वो ब्रेक नहीं होता है, 85% चांसेस में आपको विद इन अ वीक एग्जिट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको एग्जिट नहीं मिला तो करना क्या है, तो ये एक स्ट्रेटेजी मेरा है। मान लीजिए कोई भी एक साइड पे आपके मार्केट ने लेवल्स क्रॉस कर दिए 1200 पॉइंट, तो सपोज करो कि हमने 36,000 के ऊपर स्ट्रेडल क्रिएट किया था, मार्केट 34,800 आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, आपने कॉल और पुट ऑलमोस्ट 500-500 की रेंज में आपने सेल करके रखा है, तो जो कॉल है ना वो अभी 1200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो गया। करेक्ट, तो जो आउट ऑफ द मनी 1200 पॉइंट है ना, उसका वैल्यू लगभग 100 से 80 रुपए रह जाता है फ्राइडे के दिन भी, फ्राइडे के दिन, ठीक है, है ना। और अगर मंडे होगा तो और कम होगा, वेनसडे थर्सडे तक तो और कम होगा, थर्सडे को तो जीरो ही हो जाना है। तो 1200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है, तो उसका जो वैल्यू है ना वो 80 से 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी पोजीशन है वो 1200 पॉइंट इन द मनी हो गई। करेक्ट, इन द मनी में एक खास बात क्या है कि जितना आप इन द मनी जाओगे उसमें टाइम वैल्यू कम होती है, इंट्रेंसिक ज्यादा होती है। करेक्ट, और 1200 पॉइंट ऐसी जगह है कि आप 1200 पॉइंट इन द मनी चले जाओगे ना, तो आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ही लगभग, सॉरी इंट्रेंसिक वैल्यू ही लगभग लगभग दिखेगी, टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। करेक्ट, तो जैसे आप 1200 जाओगे तो ये आपका जो पुट है वो 1250-1300 का हो जाएगा, स्टिल 50-100 रुपीज टाइम वैल्यू रहेगा, बट ये उस रेंज में चला जाएगा। करेक्ट, तो आपको कॉल में 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, लेकिन पुट में आपको 850 पॉइंट का लॉस हो गया। तो कॉल में 300 कैसे, 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना, 500 रुपए में बेचा था अपन। हाँ लगभग, मतलब मैंने 400 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, 400 के, क्योंकि 400 इज द मिनिमम, उतना तो मिलता ही मिलता है। ओके, ठीक, ज्यादा मिल जाए तो वो तो किस्मत, ठीक है। तो लगभग हमको 550 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इमीडिएट उस पोजीशन को एग्जिट कर जाना है। अच्छा, कॉल और पुट दोनों को इमीडिएट एग्जिट, 550 लॉस बुक कर ले, बुक कर दीजिए, कोई बात नहीं। बुक करने के बाद आपको करना क्या है वो देखिए, 550 आपने लॉस बुक किया, मेरा 100 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, यानी कि 650। अब आप यहाँ पे देखिए, बहुत एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट एकदम से नीचे गिरी है, इसका मतलब पुट का वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ा होगा। हाँ, वॉल बहुत हाई होगा। करेक्ट, ठीक है। अब पुट का वैल्यू जो बढ़ा होगा ना, तो क्या होगा कि मार्केट 34,600 पर है ना, इससे 200-300 पॉइंट और ऊपर चले जाओ, सपोज आप 34,800 या 35,000 पे भी चले जाएंगे ना, तो ये पुट का रेट आपको 600 मिल ही जाएगा। सही बात है, क्योंकि 400 तो इंट्रेंसिक है। सही बात है, जो एट द मनी के पास में रहती है उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप क्या करना है, 500 पॉइंट को इसको शॉर्ट जो है इमीडिएट पोजीशन काट दो, क्योंकि 500 पॉइंट को कैरी करने का मतलब आपको 36,000 का वेट करना है। 36,000 अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कट करोगे तो आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा करके 650 का जो भी पुट है, सपोज करो कि 35,300, बल्कि ये मैं मानता हूं कि 35,000 भी आपको मिल जाएगा 650 के आसपास, क्योंकि 200-300 पॉइंट इन द मनी वाला 600 रुपए का लगभग रेट होता है। ओके, तो ये आप उसको बेच दीजिए। ओके, और इसके साथ आपका जो कॉल था 36,000 का, वो 100 रुपए का था, यानी उससे भी और दूर चले जाइए, 36,400, 36,500, जो सिर्फ 50 रुपए का हो, सिर्फ 50 रुपीज वाला एक कॉल एक्स्ट्रा बेच दीजिए। ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा बेच दो। हाँ, क्यों सर, इससे क्या फायदा होगा कि अगर मेरा कहना क्या, इसमें लॉजिक क्या है मेरा कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली गिरती रही या कंटिन्यूअसली बढ़ती रही, तो मैंने ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि मार्केट जो बढ़ रही है वो 12 से 15% ईयरली
दो साल तीन साल लॉन्गर टाइम फ्रेम लेके चलोगे ना तो ये रेट से बढ़ती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि 50% पर ईयर से बढ़ रही है। तो अगर आप सपोज करो कि 0.5-1% अपनी पोजीशन को भी मार्केट के साथ मूव करते चलोगे तो जो 15% चांसेस हैं वो आप बहुत जल्दी एग्जिट मिल जाए। जैसे अभी अपन 50 रुपए का कॉल बेच के क्या फायदा है, 50 रुपए का कॉल बेचने में रिस्क हम कैरी कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज है, मार्जिन मेरा डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा बिकॉज पहले का कॉल बेचा हूं ऑलरेडी 4 लाख रखा ही है तो मार्जिन का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, 50 रुपए का बेचने के पीछे जो पर्पज है मेरा वो ऐसा है क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे 35,000 है राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, तो 350 इज अ 1%, 350 इज 1%। सो मुझे मार्केट को बीट करना है तभी तो मुझे मेरा लेवल आएगा, 12-15% मार्केट का एवरेज रेट है बढ़ने का। सो अगर मुझे मार्केट को बीट करना है इसका मतलब है कि मुझे 0.25% जो है वीकली अपनी पोजिशन को मार्केट के साथ चलानी पड़ेगी। ओके, तो मेरे आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, 0.25 का मतलब है कि टेंटेटिवली आप मान के चलिए कि 100 पॉइंट हमें यहाँ पे मार्केट को अपना पोजीशन स्विच करना ही करना पड़ेगा। ओके, मतलब मेरा सिंपल लॉजिक क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सपोज करो कि अभी मार्केट 38,000 है ना सर, तो अगर ब्रॉडर व्यू लेके चलें, एक साल का टारगेट लेके चलें 52 वीक्स, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 52 इसमें जोड़ दो तो 43,200 तक भी मार्केट चली जाए तो मुझे टेंशन नहीं है, और इससे ज्यादा जाएगी नहीं, जाएगी तो वो नीचे आएगी श्योर। नहीं वो बात हम समझ गया, मेरे को उस पे कोई डाउट नहीं है आपके डिस्कशन में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 50 रुपए का कॉल ऑप्शन क्यों बेचना है जब आपका 100 रुपए का कॉल नीचे का ऑलरेडी बिका हुआ ही है। अच्छा आपने वो स्क्वायर अप कर लिया क्या नीचे का कॉल? उसको स्क्वायर अप कर दिया मैंने। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास पोजीशन कुछ भी नहीं है, कॉल पुट दोनों ही नहीं है, नया पोजीशन बना लिया, दोनों एग्जिट कर दिया और दोनों एक नया फ्रेश पुट और फ्रेश कॉल। अच्छा तो नया फ्रेश पुट और फ्रेश कॉल में 36,400 का ही क्यों किया आपने? 36,300 का वो लेना है, 36,400 नहीं, उस समय जो 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा हूँ वो ले लेना। लेना थोड़ी ना, बेचना है, बेचना है, मतलब जो 50 रुपीज का है वो सेल करते हैं। 50 का क्या लॉजिक है? वही तो मैं सर बता रहा हूँ, देखिए 350 को आप ऐसा करेंगे ना तो 100 पॉइंट इज ऑलमोस्ट 0.25%। मुझे अपनी पोजीशन को ना मार्केट के अकॉर्डिंग 0.25% स्विच भी करना है, तो मैं आधा कॉल से और आधा पुट से लेने की चाह रहा हूँ। अच्छा, उससे क्या होगा कि जैसे देखिए मतलब मान लो कि मार्केट 36,000 थी, अब 36 से मार्केट तो आ गई 34,800, अब आप या तो 36 का इंतजार करो या अब आप 35 का इंतजार कर रहे हो, आपकी पोजीशन 35 पे आपको ब्रेक इवन मिलेगा। तो 35,000 पे जब आपको ब्रेक इवन, तो 35,000 आने के चांसेस तो ज्यादा है ना 36,000 से। करेक्ट, अब मार्केट और मान लो नीचे चली गई तो आप अब 35 पे खड़े रहोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब आप 35 की बजाय अब आप 34,800 पे आ गए, मार्केट और नीचे चली गई आप 34,800 से 34,500 पे आ गए तो एक टाइम आएगा बहुत इजीली एग्जिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं खड़े रहे तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कब एग्जिट मिलेगा यू नेवर नो। मेरा 4 साल का सर इस जर्नी में जो मैक्सिमम टाइम मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो वर्स्ट केस में जो मैक्सिमम टाइम जो मुझे लगा है वो 2.5 महीने लगा है विथ द प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 920 पॉइंट्स। मैं वो ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मतलब 2.5 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 2.5 महीने में भी मैं जब एग्जिट हुआ तो 920 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 25,000 पर लॉट के प्रॉफिट में एग्जिट हुआ। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको हर वीक को रोलओवर करिए, अगर एक तरफा गिर गया मार्केट तो 50-50 तो आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और 50 पुट से एक्यूमुलेट होगा क्योंकि कुछ तो टाइम वैल्यू आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, तो 100 पॉइंट आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, इसका मतलब है आप मार्केट में 0.25% मार्केट की डायरेक्शन में और बढ़ गए। समझ गया, तो आप 12-15% ईयरली बढ़ोगे ही बढ़ोगे, तो मार्केट को आपके बराबर आना ही आना पड़ेगा। समझ गया, फॉर श्योर। मतलब अगर सपोज करो कि कोई आदमी 38,000 से शॉर्ट कर रहा है मान लो और मार्केट एक तरफा बढ़ता जा रहा है तो भी ईयर के एंड में मेरी पोजीशन 38,000 की जगह 43,200 हो जाएगी। अब इन बिटवीन कहीं तो मुझे एग्जिट मिला ही मिला होगा सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलेगा ही नहीं कभी कि इस साल मार्केट 50%, अगली साल और 50, अगली साल और 50, ऐसा तो कभी हो ही गई नहीं। ये पास्ट आप पूरे 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना कि 50% हर साल बढ़ेगा। अगर ऐसा होता तो बस एक बैंक निफ्टी खरीद के रख लो, बस खत्म बात, फिर कुछ करना ही नहीं है, लाइफ देखते रहो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, इस ट्रेड के अंदर में 35,000 के बाद में ये और नीचे गया था क्या? हाँ सर, एक मैं आपको दोनों एग्जांपल ऐसा बताता हूँ। एक एग्जांपल, जब नॉर्मली जनरली ऐसा नहीं होता है, मैंने ये भी एनालिसिस किया कि जो 15% केसेस है ना, उसमें से भी 10-12% तो ऐसे हैं जिसमें आपको फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक में एग्जिट मिल ही जाएगा। अच्छा। अब हार्डली, अब जैसे कोविड जैसा सिचुएशन सर आ जाए वंस इन अ लाइफ टाइम वाला, तो फिर तो इंतजार, अब इसमें तो अच्छे अच्छे लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो आप बेसिकली शॉर्ट को रोलओवर कर रहे हैं जब तक कि आपका पोजीशन, जब तक कि मार्केट रिवर्स नहीं करता, आप शॉर्ट रोलओवर करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और जो भी मैं प्रीमियम कैसे रोलओवर का प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? रोलओवर का प्रीमियम सिलेक्ट करने का सिंपल लॉजिक है, जब तक मार्केट मतलब एक रेंज में है, जैसे 1200 पॉइंट तो चलो ब्रेक कर लिया, लेकिन अगर 2-3 हजार तक है नीचे अपनी अपने लेवल से, तब तक तो आपको टाइम वैल्यू मिल ही जाएगी। बट उससे ज्यादा नीचे चली जाएगी ना, तो फिर आपको टाइम वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि सपोज आप 35,000 पर हैं और 35,000 का पुट का रेट जो भी है इस एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, उससे एक रुपया भी ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा हो बिकॉज कि वो नेक्स्ट एक्सपायरी आने में अभी एक वीक है। तो मेरा क्या कहना है कि आप 35 पे पहुंच गए हो, तो हाईली चांस ये है कि आपको हो सकता है कि नीचे और जाने ना मिले, लेकिन उससे ऊपर तो आप नहीं जाओगे, ये तो आप सेफ हो गए, क्योंकि आप उसी प्रीमियम को आप कैरी करते भी चलोगे तो भी आपको वही पॉइंट, आपको वही प्रीमियम मिलता ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर जैसे ये थर्सडे वन है और ये थर्सडे टू है, मान लो इस थर्सडे पे मान लो कोई पुट का रेट 600 है, तो इस थर्सडे को उस पुट का रेट 600 प्लस ही होगा, कभी इससे माइनस नहीं होगा, बिकॉज 600 है का मतलब ये टोटली इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक तो इसमें होगा ही होगा ना। करेक्ट करेक्ट। और उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा, और वो प्लस 50 जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा मिला प्लस 50 जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, तो वो एक्यूमुलेट इतना होता जाएगा कि जितना टाइम भी लगेगा एग्जिट होने में, तो भी आपको पैसा तो बन रहा है, क्योंकि आपका फंड वैल्यू तो बढ़ रहा है। समझ गया मैं। और वो चूज करने के पीछे मेरा लॉजिक 1% का है कि आप 0.25% मार्केट के साथ चलते चलो। मेरा मैथ के हिसाब से मैंने दिमाग में लगा लिया कि आप ऐसे चलते चलो तो मार्केट आपके साथ में चलेगा, क्योंकि आप वो पॉइंट पे खड़े रहोगे सर तो फिर क्या है कि उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि इतना इंतजार करना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जब मार्केट सर गिरी थी ना अभी 16-17 हजार जब आ गई थी बैंक निफ्टी, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वापस 38 आ जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन जिसने मान लो 32,000 से 30,000 से जो आदमी गिरना स्टार्ट हुआ होगा और उसने मार्केट से साथ साथ नीचे किया होगा, तो वो 25,000 तक पहुंच गया होगा, वो भी तो 25,000 आने के चांस थे, लेकिन उसका 38,000 ही तो आ गई। मतलब अच्छे अच्छे लोगों को इतने बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इतने जल्दी टाइम में आनी तो थी ये तो श्योर है, बट इतने जल्दी टाइम में आ जाएगी वो थोड़ा सा अनलाइकली था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको चार्ट से एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये सर 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त, ये 20 दिन मुझे कैरी करना पड़ा था, इसमें उस वीक में मुझे एग्जिट नहीं मिला, 20 दिन मुझे कैरी करना पड़ा। मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी थी, 35,934 था, 35,900 पे मैंने स्ट्रेडल क्रिएट किया। मैं आपको लाइव ट्रेड्स भी सारे अभी आपको दिखाऊंगा। तो मेरा टारगेट यहाँ से जैसे ऊपर और नीचे का अगर हम लेके चले तो 34,700 और ऊपर की तरफ में हमारा हो गया 37,100, 1200 के हिसाब से। लेकिन मार्केट ने ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक ले लिया और ये मार्केट 34,700 को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो मुझे अपना पोजीशन तो रिक्रिएट करना था, मैंने अपना पोजीशन रिक्रिएट किया और उसके बाद ये घूमते 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 क्या किया आपने पोजीशन में रिक्रिएट क्या किया था बताइए फिर से। हाँ सर, मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं? नहीं, आप बताइए, आपको तो याद होगा। हाँ सर, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1200 पॉइंट लेवल ब्रेक हो गया, जैसे लेवल ब्रेक हो गया तो मेरा ना पुट के अंदर लगभग 600 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट के आसपास पुट में मेरा लॉस था, और लेकिन कॉल में मुझे 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। इवेंचुअली मुझे 500 पॉइंट के आसपास का लॉस हो रहा था। ठीक है, ये मैं टेंटेटिव फिगर्स बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रेड्स भी अभी दिखाता हूँ। सो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पोजीशन को रोल ओवर किया 34,000, यहाँ पे जो 34,700 ब्रेक किया मैंने पोजीशन काट दी, और काटने के बाद में जो पुट उस समय उसी वीक का 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करने के पीछे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको ये देखना है कि मेरी पोजीशन से 100 पॉइंट प्लस वो देख लो, और
₹50 का जो कॉल था उस कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ₹50 का कॉल शॉर्ट करते समय एक चीज और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए और वो कॉल आपकी जो ये रेट है पुट वाली रेट उससे नीचे का हो तो फिर ना कर, ओके, क्योंकि फिर तो आप रिस्क डबल रिस्क कैरी कर दो, तो वो नहीं करना क्योंकि फिर ₹50 के लिए इतना नहीं करो, इतना मार्केट नीचे गिर गया है तो फिर वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट तक आ जाता है पुट वाली रेट तक तब तक आप बेचो, नहीं तो मत बेचो। तो ये 50 पॉइंट ये कर दिया, ये कर दिया। अब नेक्स्ट वीक हम गए, मार्केट अभी भी नहीं आया, ये जो 600 वाला था ना ये भी पट के 800 हो गया, मार्केट और थोड़ी सी डाउन हो गई। तो मैंने क्या किया, ये 800 तो था, ये 50 वाला तो मेरा जीरो हो गया, तो इसको तो छोड़ दो। अब 800 था तो मैंने क्या किया, 900 के आसपास का जो पुट था लगभग मुझे यही पुट मिल जाएगा क्योंकि टाइम वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा, फिर शॉर्ट कर दिया और एक फिर ₹50 का कॉल शॉर्ट कर दिया। और उसके नेक्स्ट वीक क्या हुआ, मार्केट ने बाउंस लिया, ये वाला जो था वो लगभग ₹200 का रह गया। अब मैंने क्या किया, जैसे ये 200 का हुआ तो मैंने 300 के आसपास का फिर एक पुट शॉर्ट कर दिया और एक ₹50 का कॉल शॉर्ट कर दिया। अब मेरी रेंज बहुत ब्रॉड हो गई क्योंकि ₹300 का पुट भी मुझे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी का ही मिला होगा क्योंकि इन द मनी का खुद 400 का होता है, तो 300-400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, कॉल और ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, तो मतलब अब इस रेंज में आने के चांसेस मेरे और बढ़ गए। तीसरे वीक मुझे इसमें से एग्जिट मिल गया, तो ये 100 यहाँ से 100 यहाँ से 100 और प्लस जो स्टार्टिंग का प्रीमियम, तकरीबन मुझे 400 पॉइंट्स उस तीन वीक में मिल भी गए और मेरे को एग्जिट मिल गया। एग्जिट का क्या क्राइटेरिया था? अब मार्केट जैसे ये जो भी पुट आपने जो भी शॉर्ट किया और कॉल जो शॉर्ट किया इसके बीच में मार्केट लाई करेगा तो ये भी जीरो होना है, ये भी जीरो होना है ना, तो एग्जिट कब होगा, जब जीरो करेंगे तब एग्जिट है आपको, जब पहला एडजस्टमेंट करेंगे ना सर, उसके बाद थर्सडे के अलावा कभी ट्रेड ही नहीं लेना। हाँ? जब भी पहला एडजस्टमेंट करेंगे हम, जैसे कि मार्केट 1200 पॉइंट को ब्रीच कर गया, जैसे यहाँ पे मार्केट ने 1200 पॉइंट के लेवल को ब्रीच कर दिया, तो वी विल नॉट टेक ट्रेड टिल Thursday 3 PM। Thursday 3 PM तक हमको अब ट्रेड ही नहीं लेना है, चुपचाप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, खत्म बात। अगर वो उस रेंज में है ना, वो जो आप कह रहे ना कि देखते रहोगे, जितना देखोगे तो उतना फिर वो आपका मन करेगा, कुछ नहीं करना है। आपका रेंज डिसाइड हो गया, आपकी रेंज में थर्सडे को 3 बजे तक आ गया मार्केट, Thursday 3 बजे का मतलब है कि ऑलमोस्ट टाइम वैल्यू खत्म, एग्जिट कर दीजिए, नहीं आया है रोल ओवर कर दीजिए। रोल ओवर कब करें? थर्सडे को 3 बजे अगले वाला, क्योंकि टाइम वैल्यू तो खत्म हो गई होगी, क्योंकि आप उसको सिस्टम को आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ करोगे। और ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसीलिए है क्योंकि आपके पास आपका काम है ना, दूसरा आप काम करिए ना, मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, क्यों दिन भर 9:15 से 3:30 वो लाल है हरा है देखना ही है आपको, आपका फंड वैल्यू तो बढ़ रहा है ना। अब आपके पास में सिंपल सा लॉजिक क्या हो गया सर, कि मार्केट 36,000 से 34,000 के बीच में लाए करेगा तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा एग्जिट हो जाएगा, नहीं लाए करेगा तो मुझे नेक्स्ट वीक का वेट करना है, खत्म। और हर वीक वो रेंज बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका पॉइंट्स अक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो एट अ सर्टेन टाइम उस रेंज के बीच में तो मार्केट ने आना ही आना है। आज 36 से 34 है, फिर अगले दिन क्या होगा, वो 33,800 से 36,200 हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो 33,400 से 36,700 हो जाएगी, कभी ना कभी तो उस रेंज में अब आपको लाई हो गई होगा। जैसे ही लाई होगा आपका फंड वैल्यू जो एक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि आप 50 और प्लस 100 150 पॉइंट जो आप ऐड कर रहे हो, यानी 4,000 आपका फंड वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, इवेंचुअली जिस दिन एग्जिट होगा उस दिन आप नेट वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेके ही निकल रहे हो, और बाकी जो फर्स्ट वीक में एग्जिट मिल रहा है वहां तो मिल ही रहा है। सो बेसिकली ये वो सिचुएशन हो गया जहां पे चीजें आपके अनुसार नहीं हुई, विच इज लाइक 10-12% ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि वो 100-125 पॉइंट जो है वो आपको मिल ही जाता है, वो भी फ्राइडे या मंडे तक मिल जाता है। हाँ, और फिर आपको 3 दिन कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करिए, कुछ नहीं, क्योंकि आप देखिए जितना मार्केट में ना नॉलेज वर्सेस टाइम ये पैरेलल चलता है, आपको जितना नॉलेज है ना उतना ड्यूरिंग मार्केट आवर टाइम दीजिए, जितना कम नॉलेज है ना उतना कम टाइम दीजिए। पोस्ट मार्केट इनवर्सली चलता है कि जितना कम नॉलेज है पोस्ट मार्केट उतना ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको कम नॉलेज है और 9:15 से 3:30 आपने टाइम दिया ना तो आप ये समझे कि आप अपना बैंक बैलेंस खाली करने वाले हैं 100%। वेरी गुड, वेल सेड, वेरी वेल सेड। ये आपको देखना ही नहीं है, मैंने इवन ये भी बोला, कई बार क्या होता है मेरे फ्रेंड ने ऐसा भी बोला, तू थर्सडे को बनाता है, तेरे को मंडे एग्जिट मिल गया तो तू मंडे को ही रिक्रिएट कर देना, प्रीमियम ज्यादा मिलेगा।
पर जब मैं मंडे को क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे प्रीमियम तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस वीक का मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे का रिस्क भी तो कैरी कर दिया, उसमें कुछ अनयूजुअल हो गया तो। और मोस्टली जो सारा अनयूजुअल जो है वो तो वेनसडे थर्सडे को ही होता है। मोस्टली जो है ट्यूसडे वेनसडे को सबसे ज्यादा इधर उधर होता है मार्केट, तो मैं क्यों कैरी करूंगा रिस्क? अच्छा चिराग, 2 बजे करूंगा तो 100 पॉइंट अगर आपको जैसे 125 पॉइंट आप बोल रहे हैं हर वीक टारगेट कर रहा है, तो 125 × 4 500 पॉइंट हो गया महीने का, 12 × 12 तो 6000 पॉइंट हम साल का मोटा मोटी टारगेट करते हैं ना। एग्जैक्टली, और 6000 को आप 25 से सर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 लाख लगभग लगभग आप 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। 1.5 लाख तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख का ऑलमोस्ट 30-40% आपका हो गया। प्लस ये मत भूलिए कि जो 2.5 लाख रुपए है वो आपको 6-7% रिटर्न करके भी दे रहा है, मतलब मोटा मोटी आप 40% रिटर्न का टारगेट करते हैं। और वो सर आप केवल है ना सिर्फ इतना करिए, जो रूल है वो को फॉलो करिए, जब आपको मार्केट नहीं देखना है तो 9:15 से 3:30 मत देखिए, और जब आपको उसको ट्रैक करना है सिर्फ तभी ट्रैक कीजिए, पोस्ट मार्केट आवर्स जो आपको स्टडी करना है उसको आप कंटिन्यूस करते रहिए, आपको 100% पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप 9:15 से 3:30 बार बार देखोगे कितना ग्रीन हुआ कितना रेड हुआ, ग्रीन ऐसी चीज है सर, ऐसा लगता है कि जब आप 5000 का नेगेटिव देख के जब 1000 का ग्रीन देखते हो ना, तो आपको लगता है अरे यार 5 नेगेटिव तो अब 1 हो गया, निकल ही जाते हैं यार, क्यों टेंशन ले, अरे यार आप क्यों निकल रहे, वो एक ही वो जर्नी स्टार्ट हुई है, 5 to 1000 हुआ है ना, अब ये 1 आपको 5 कर देगा, आप वेट करो भाई, हम वेट नहीं करते। और लॉस होता है तो क्या, नहीं 5000 है यार अभी आएगा अभी आएगा, फिर उसको 7 कर देते हैं, नहीं अभी आएगा उसको 10 कर देते हैं। आपको वो टर्मिनल ही छोड़ देना चाहिए, आप सिर्फ आपका देखिए ना, आप जब ओपन करोगे फंड वैल्यू आपको दिख जाता है, आपका कुछ नहीं, आपका एक सिंपल सेट हो गया कि भाई इस रेंज में जिस भी दिन एक्सपायर करेगा मार्केट मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है, अगर इस वीक नहीं करेगा नेक्स्ट वीक करेगा तो मुझे 4000 बढ़ के ही मिलने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों देखना है बार बार, क्यों उस चीज को सिस्टम में घुस घुस के कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। और वो भी आप रिटेल हो, जब आप रिटेल ट्रेडर हो तो फिर आप वो फुल टाइम ट्रेडर की तरह काम क्यों करना है आपको, समझ गए, पूरे टेक्निकल सीखो और फिर एकदम देखो स्टॉप लॉस लगाओ, आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे वो करो, जब आप रिटेल हो आपका अच्छा खासा दूसरा काम चल रहा है तो इसको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए करो। 30-40% हम टारगेट कर रहे हैं सर, 25% भी मिल जाता है ना तो भी बहुत होता है, क्योंकि आप बैठे बैठे सिस्टमेटिकली आप 25% इनकम जनरेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब ठीक है सर, आप ये कहे मैं ट्रेड शेयर करूं सर एक बार? नहीं ट्रेड मत शेयर कीजिए, आप जो बता रहे एकदम फर्स्ट क्लास है, आपने मेरे साथ ट्रेड शेयर किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, और क्योंकि ये फेस टू फेस इमर्ज है दोस्तों, तो वेरीफाइड लोग ही, उनके साथ ही हम बातचीत करते, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर कि ये जो भी बात है ये सब सही है। सो चिराग, हमको समापन की तरफ जाना पड़ेगा, मजा बहुत आया आपसे बात करके, लेकिन लास्ट स्लाइड आपके ऊपर बताइए। सर मैं सिर्फ इतना कन्वे करना चाहता हूँ सर, एक बिना शेयर मार्केट का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, दूसरी चीज ये कि मैं साइंस स्ट्रीम का बंदा था, बावजूद इसके अगर मैं इस मार्केट में टाइम दे के पैसा कमा सकता हूं तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी कमा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 सर, जो भी ये मार्केट में मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि मार्केट में पीछे में जो इवेंट्स हुए हैं उसी का रेप्लिकेशन धीरे धीरे आगे होता है, ये चीज मैंने महसूस करी है कि आप वो जब आप एक नोट्स बनाओगे, ये मेरा सर बहुत सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, अगर आपको 1 साल के बाद अगर आपको इस चीज का बेनिफिट ना मिले तो आप मुझे कहो, 105% सर आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पुराना जो इवेंट हुआ है उस इवेंट पे फोकस करो, आगे क्या होगा उसका परसेप्शन उस इवेंट के बेसिस पे बनाओ, आपको 100% मार्केट के हिसाब से चलेंगे, और मार्केट के पीछे चलो, मार्केट के आगे भागने की कोशिश करोगे ना तो मार्केट आपको धक्का मार देगा, मार्केट के पीछे चलो, आपको श्योर फायदा होगा। जितना आपका नॉलेज है उतना आपको टाइम 9:15 से 3:30 के बीच में देना है, और जितना नॉलेज कम है उतना 3:30 से अगली 9:15 के बीच में देना। सही है, सिंपल, प्रीटी मच वेल समराइज्ड चिराग, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अमेजिंग स्ट्रेटजी एंड मोर देन स्ट्रेटजी दिस पेप टॉक्स, और जो आप वैल्यू एडेड हमको एक विजडम शेयर किए,
कमेंडेबल है, थैंक यू सो मच। अब मुझे एक बात बताइए कि इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू, आर यू देयर ऑन ट्विटर? नहीं सर, मैं ट्विटर इस सब पे तो नहीं हूँ, बट मैं अपना भी अकाउंट बना के शेयर कर दूंगा, आप डाल दीजिएगा एकदम। आप अपना ट्विटर हैंडल बनाइए और हम चाहते हैं कि पीपल शुड कनेक्ट विथ यू, गेट इन टच विथ यू अगर कुछ और उनको समझना हो तो, क्योंकि आप टीचर हैं तो आई एम श्योर कि आप और वैल्यू ऐड करेंगे लोगों को जो समझना चाहते हैं आपसे। तो आपका ट्विटर हैंडल मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा दोस्तों, फॉलो करना है तो कीजिएगा। बट अपरेंटली लुक्स लाइक दैट ही इज, तो मैंने सर ऐसे बनाया नहीं, मैं आज ही उसको बना दूंगा। हाँ सर, मेरा क्या है कि मैं तो अपना कर रहा था, अच्छा चल रहा था और वो चल रहा है, ये ऐसा कभी सोचा नहीं कि इस तरीके से करे। लेकिन ये आपका जो सीरीज देखा ना सर, तो मेरा बहुत दिल किया कि तब मुझे ऐसा पहली बार रियलाइज हुआ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी अपना चीज जो है वो कन्वे करना चाहिए। फिर मैंने ये भी सोचा कि इस तरीके का कुछ कंटेंट जो मेरा फिलोसॉफी है, जो मैंने जर्नल बनाया है, वो जर्नल के बारे में भी डिटेल कि देखो एक साल में ये इवेंट्स हुए वो हुए, कैसे मैं शेयर कर पाऊं। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ ऐसा होगा तो शेयर करेंगे सर। एकदम आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और हम अपने लर्नर्स जो उनके साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको और क्लैरिटी मिले। थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस वन, इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू। और दोस्तों पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और चिराग के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज एवरीवन हैव राइट टू लर्न एंड सच अ लवली कंटेंट। आई डोंट थिंक सो यू शुड लीव इट टू योरसेल्फ, यू शुड शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। चलिए, थैंक यू चिराग, टेक केयर, थैंक यू सर।